आज का हमारा टॉपिक है अशोक महान। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना था। बिंदुसार सुरा, अंजीर और दार्शनिकों का प्रेमी था। उसकी उपलब्धि इतनी ही है कि उसने मौर्य साम्राज्य को यथावत बनाए रखा। दिव्यावधान के अनुसार तक्षशिला में उसके समय एक विद्रोह भी हुआ था। इस विद्रोह का दमन एक बार अशोक ने तो दूसरी बार सुसीम ने इस विद्रोह का दमन किया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक सम्राट बना। भारतीय इतिहास में अशोक महान की उपाधि इसे दी गई है। अभिलेखों में इसका नाम अशोक नहीं मिलता है। अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी मिलता है। बांसगी, गुर्जरा और नित्तूर के लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक के आरंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के आरंभिक जीवन से संबंधित कई कथानक दिए गए हैं। दीपवंश और महावंश के अनुसार बिंदुसार के 16 रानियां और 101 पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि अपने पिता के राज्यकाल में वह तक्षशिला और अवंती का राजा रह चुका था। अशोक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। बौद्ध ग्रंथों के विवरण से यह लगता है कि बिंदुसार के अंतिम दिनों में अशोक और उसके भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष आरंभ हो गया था। संभवतः इसीलिए अशोक के राज्यारोहण जो कि 273 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक के राज्याभिषेक जो कि 269 ईसा पूर्व में हुआ था में 4 वर्षों का अंतर है। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन अमात्य अशोक को राजा बनाना चाहते थे। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तब सुसीम तक्षशिला में था। जब वह राजधानी आया तो अशोक द्वारा पूर्व नियोजित पाटलिपुत्र की परीक्षा में जो गर्म अंगारों से भरी थी गिरकर मर गया था। महावंश के अनुसार पिता की मृत्यु के समय अशोक उज्जैनी में था और पिता की मृत्यु पर वह राजधानी लौट आया और अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राजा बन गया था। दीपवंश 99 भाइयों की हत्या करके उसे गद्दी पर बैठना बताता है, लेकिन ये सभी कथाएं निराधार है क्योंकि अशोक के अभिलेखों में उसके कई भाइयों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अशोक की विजय। कल्लड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था और उसने यहाँ पर श्रीनगर की स्थापना की थी। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि अशोक ने केवल अपने जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा था, वो था कलिंग का युद्ध। और कलिंग युद्ध के बाद उसने धर्म और शांति की नीति को अपना लिया था। अतः कश्मीर विजय उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई होगी। कलिंग युद्ध। कलिंग पूर्वी समुद्र तट पर महानदी और गोदावरी के मध्य स्थित था। हाथी गुफा लेख के अनुसार यहाँ नंद राज का अधिकार था, अतः चंद्रगुप्त का भी यहाँ पर अधिकार स्थापित हो गया था। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि बिंदुसार के समय कोई प्रांत स्वतंत्र हुआ हो। अब हमारे सामने दो संभावनाएं ही रह जाती हैं। एक, उत्तराधिकार युद्ध के समय संभवतः कलिंग स्वतंत्र हो गया होगा, और दूसरा, कलिंग अशोक के अधीन था लेकिन बार बार अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर रहा था। कलिंग समुद्र के निकट था इसलिए उसका विशेष महत्व था और कलिंग अपने हाथियों के लिए भी जाना जाता था। इस युद्ध में बहुत से लोग मारे गए। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1,00,000 लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और उतने ही बाद में मर गए थे। इस युद्ध ने कलिंग की आर्थिक स्थिति को चकनाचूर कर दिया और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म परिवर्तन कर लिया था और इस युद्ध के बाद उसने बिंबिसार द्वारा प्रतिपादित साम्राज्यवादी नीति को तिलांजलि दे दी थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जिस धर्म का प्रचार उसने अपने अभिलेखों में किया है वह
बौद्ध धर्म नहीं था, वह मानव धर्म था। इसलिए सेनार्ट आदि विद्वानों का ये मानना है कि उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था, जबकि डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी पुष्टि साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से होती है। बौद्ध साहित्य दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान आदि में उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। गार्गी संहिता में अशोक के एक उत्तराधिकारी की धम्म विजय का उल्लेख किया गया है। राजतरंगिणी में अशोक के जिन शासन अंगीकार करने की घटना का वर्णन है और बौद्ध यात्रियों ने भी अशोक चीनी यात्रियों ने भी अशोक को बौद्ध बताया है। पैराट से प्राप्त और कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित भाबरू शिलालेख के आरंभ में उसने बौद्ध धर्म के बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त की है। भाबरू लेख में ही उसने भिक्षुओं और उपासकों के लिए पठनीय ग्रंथों के नाम भी बताए हैं। लघु शिलालेख के आरंभ में उसने अपने जीवन में धर्म की उत्तरोत्तर प्रगतिशील दशाओं का भी वर्णन किया है। इस लघु शिलालेख में उसने लिखा है, 2.5 वर्ष से अधिक हुए मैं उपासक हुआ, 1 वर्ष मैंने अधिक परिश्रम नहीं किया, पर अब 1 वर्ष से अधिक हुआ जब से मैं संघ में आया हूँ, तब से मैंने खूब उद्योग किया है। इससे स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात भी आपने आरंभिक वर्षों में वह निष्क्रिय रहा, उपरांत द्रुत गति से उसने प्रचार का कार्य आरंभ किया था। रूपनाथ और भास्की लघु शिलालेखों में तो उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2.5 वर्ष से अधिक हुआ मैं शाक्य बौद्ध हुआ। इसके पश्चात ये संदेह नहीं रह जाता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में उसने संघ में फूट डालने वालों के विरुद्ध दंड विधान भी घोषित किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वे धर्म का उपासक ही नहीं बल्कि संघ का प्रधान भी था। अशोक के 5वें शिलालेख के अनुसार उसने संघ, ब्राह्मणों, निग्रंथों और आजीविकों में धर्म महामात्र नियुक्त किए थे। यहाँ संघ से तात्पर्य बौद्ध संघ से है। 8वें शिलालेख के अनुसार उसने राज्यकाल के 10वें वर्ष में धर्म यात्राएं आरंभ की थी और यह धर्म यात्रा संबोधि गया से आरंभ की गई, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी धर्म यात्रा के अंतर्गत उसने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में रुमिंदे लघु स्तंभ लेख के अनुसार भगवान बुद्ध के स्तूप की भी पूजा की और एक प्राचीर और एक स्तूप जो था वो बनवाया था और उस पवित्र गांव को कर मुक्त कर दिया था। गिरनार, कालसी और धावली शिलालेख के अनुसार अशोक ने श्वेत हाथी का रेखा चित्र जो था वो अंकित करवाया था। श्वेत हाथी के प्रति बौद्धों की अत्यधिक श्रद्धा थी क्योंकि हाथी की योनि में भगवान बुद्ध प्रकट हुए थे, इसलिए ये लोग हाथी को पवित्र मानते थे। अशोक ने अपने शिलालेखों में अहिंसा पर भी अत्यधिक बल दिया है। उसने 5वें स्तंभ लेख में अवध्य पशु और उनकी निषेध तिथियां भी दी हैं। अशोक के विभिन्न लेखों पर 4 पशुओं के चिन्ह जो हैं, वो हमें अंकित दिखाई देते हैं, अश्व, सांड, सिंह और हाथी। इनका अंकन भी बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को द्रोण नामक ब्राह्मण ने 8 भागों में विभक्त कर दिया और उसके ऊपर स्तूप बनवाए थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने उनको पुनः निकलवाकर 84,000 भागों में विभक्त करके उनपे 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। चीनी यात्री फैयान और हैंसांग ने भी इनका वर्णन किया है। अपने राज्यकाल के 18वें वर्ष में उसने बौद्धों की तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन
किया था और फाइयान और हैंसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने संपूर्ण साम्राज्य में 3 बार बौद्ध संघ को दान देकर उसे फिर से क्रय किया था। दीपवंश और महावंश में एक बाल पंडित द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित करने का उल्लेख भी हमें मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु उसने अनेक भिक्षु और भिक्षुणियों को विदेशों में भेजा था। चीनी यात्री इत्सिंग ने भी लिखा है कि उसने अशोक की एक मूर्ति के दर्शन हेतु एक भिक्षु के वेश अशोक की मूर्ति का दर्शन एक भिक्षु के वेश में किया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि उसने व्यक्तिगत रूप से कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था।